हर शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी दो दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी की ताकत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, बल्कि साफ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तेआत है तो वो उस पर कुर्बानी।